नमस्कार दोस्तों, द हेल्थ इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसे योगा पोजेज जिसको आप करके एक महीने में अपना मनचाहा वजन बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह योगा पोजेज कोई भी लड़का या लड़की बहुत आसानी के साथ कर सकेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को पोज नंबर 1 के साथ। नंबर पहला पोज दोस्तों, इसको कहते हैं बटरफ्लाई पोज। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, बस जैसे लेटते हैं नॉर्मल लेट जाइए और कुछ इस प्रकार से अपने पैरों को मोड़कर आपको करीबन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोज में रहना है। इस पोज से दोस्तों रहने से आपका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है और आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, और इतना ही नहीं आपके घुटनों और पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ये आपके वेट गेन में बहुत हेल्प करेगा। नंबर दूसरा, इसको कहते हैं डायमंड पोज, हिंदी में वज्र आसन। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से अपने घुटनों को मोड़कर अपने टोस को दोनों सटाकर और आपको अपने एड़ियों पर बैठ जाना है। इस पोज को करते वक्त आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। इस पोज को करने से आपका पोस्चर तो सही होता है, साथ ही साथ आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी थाई की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपके जो कोर होता है, एब्स होता है, वो स्ट्रांग होता है और आपका सांस खुलता है। और ये सारी चीज़ प्रक्रिया होते हुए भी आपका वजन भी बढ़ता है इस पोज को करने से। नंबर तीसरा दोस्तों, ये पोज आप शुरू में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद आप शोल्डर स्टैंड पोज करें, या फिर आपके पास दो लोग हैं तो मिल के इसे कर सकते हैं। शोल्डर स्टैंड पोज दोस्तों आपके शरीर में खून का प्रभाव पूरे शरीर में बढ़ाता है। यह दोस्तों आपके जांग, आपका कमर, आपका कंधा और आपकी जो बैक होती है उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपको बीमारियों से लड़ने में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है शोल्डर स्टैंड पोज। नंबर चौथा, कोबरा पोज। दोस्तों इस पोज को करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ इस प्रकार से ज़मीन पर इस प्रकार से करना है, आप जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में। इस पोज को करने से आपकी जो चेस्ट होती है वो ओपन होती है और आपका चेस्ट इससे फूलता है। दूसरा दोस्तों, इससे आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है और आपके लंग्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तीसरा मैं बात करूँ, इससे आपके कोर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कर आपका डाइजेशन, कब्ज, गैस सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर पांचवा पोज दोस्तों, इस पोज को कहते हैं फिश पोज, मत्स्य आसन। इस पोज में आपको बस नीचे अपने तकिया लगाइए शुरू में, या फिर आप अगर शुरू में कुछ इस प्रकार का पोज कर पा रहे हैं तो आप इसे करें। इस पोज को करने से आपका जो कुब्बड़ होता है वो कम होता है, आपका जो चेस्ट होता है वो उभरता है, आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ आती है और आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और पूरे शरीर में खून का प्रवाह होता है, और इस पोज को करने से आपकी भूख भी बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप दिन में ये पांच पोज एक मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो आपकी एक महीने में वजन बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आज से आप ये पाँच पोज करना शुरू कर दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और भी ऐसे हेल्थ इन्फो वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द हेल्थ इन्फो को। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछें हमें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।